अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू एमन खान यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, आप लोगों को इस तरह से कोफ्ते बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोग जो है अपने कोफ्तों को किस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रोज़न मीट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। कोफ्तों के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे खशखाश, वो मैंने 4 टेबलस्पून खशखाश, लहसुन आप लोगों को लेना है साबुत 3, दालचीनी मैंने ली है 5 से 6, काली मिर्ची मैंने ली है 7 से 8, लौंगे भी मैंने ली है 5 से 6, और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के। नमक आप लोगों ने लेना है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर भी आप लोगों ने लेना है 1 टेबलस्पून, और आप लोगों ने लेने हैं चावल आप लोगों ने लेने हैं 3 टेबलस्पून। अब हमने इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से ग्लेंडर कर लेना है ताकि जो है हमारा खशखाश का जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए। चावल जो है वो मैं इसके अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ, चावल से एक तो हमारे कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट बनेंगे और क्योंकि बाइंडिंग भी चावलों से बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा, बारीक कीमा आप लोगों ने लेना है। इसके लिए कीमा मैंने लिया है 1.5 किलो। लोगों को इसका कलर जो है वो पिंक पिंक लग रहा होगा, वो इस वजह से लग रहा है कि आप लोगों ने जो है ना कीमे को पहले पानी में अच्छे से भिगो देना है। जब तक इसका सारा ब्लड नहीं निकल जाता ना, आप लोग अपने कोफ्ते नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह ब्लड ब्लड वाले गोश्त के कीमा निकलवाते हैं और फिर उसके डायरेक्ट कोफ्ते बनाते हैं ना, तो आप लोगों के गोश्त में से स्मेल आती है। जो लोग कहते हैं ना कि गाय का गोश्त खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो भी इस वजह से होती है कि आप लोग जो है वो ब्लड नहीं निकालते हैं और डायरेक्ट इसे बना लेते हैं। और जब आप लोग इसका ब्लड अच्छे से निकाल के इसे बनाते हैं तो इससे आप लोगों के कोफ्ते भी ब्राउन कलर के बनते हैं और इसमें टेस्ट भी आता है और गोश्त की जो स्मेल है वो भी नहीं आती। हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे कीमा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया, दो अदद हरी मिर्चें, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खशखाश। खशखाश ये मैंने किस तरह बनाई है इसका तरीका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली, हम नमक जो है वो हम लोग खशखाश में भी डाल चुके हुए हैं। हमारा कीमा जो था उसे हम लोगों ने कर लिया है चॉप, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। हम इसके अंदर अंडे को करेंगे अच्छे से मिक्स, उसके बाद हम लोग जो हैं इसके बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते थे वो रेडी हो चुके हुए हैं। अगर आप लोग इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग किसी किसी कंटेनर में या किसी पैकेट में डाल के और इन्हें फ्रीज़ कर दें, और जब आप लोगों ने इसे पकाना होगा फ्रीज़ कोफ्तों को, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले कोफ्तों को फ्रिज से निकाल के इन्हें फ्राई करना है, उसके बाद आप लोग इसे बना सकते हैं। हम लोग अब तैयार करेंगे अपने कोफ्तों की ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया है ऑयल, ऑयल को हम करेंगे गरम, इसके बाद हम लोग इसके अंदर करेंगे ऐड प्याज। प्याज जो है वो मैंने 2 ली हैं बड़े साइज़ की, आप लोगों ने 2 प्याज लेनी है बड़े साइज़ की और उन्हें बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे, हम लोगों ने इसे फ्राई करना है कि ये ब्राउन कलर की हो जाए। ये देखिए हमारी जो प्याज थी वो फ्राई हो गई हुई है, इसे मैंने प्लेट में शिफ्ट कर लिया और अब मैंने जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप लोगों ने प्याज निकालने के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसके बाद हम इसके अंदर ये वाले 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
मेथी दाना मैंने लिए हाफ टी स्पून, आप लोगों ने मेथी दाना लेना भी हाफ टी स्पून है। ये देखें हम लोगों ने डाली है, इसके अंदर 4 इलायची है। प्याज हमने अभी अभी इस ऑयल में से निकाली थी तो हमारा ऑयल जो था वो गर्म ही था, इसलिए इसके अंदर मेथी दाना और ये फ्राई भी हो गया। बस आप लोगों ने इसे इतना हल्का सा ही फ्राई करना है। अगर आप लोग इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे या मेथी दाना ज़्यादा डालेंगे तो आप लोगों का जो सालन है ना वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने जो है मेथी दाना बहुत एहतियात से डालना है। अब हम लोग इसके अंदर फ्राई प्याज और 1 कप हम लोग लेंगे दही, इस ब्लेंडर में डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंडर कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे प्याज और दही जो हमने ग्लेंडर की थी। फ्लेम हमने इसका ऑन कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे लौंग 5 से 6, काली मिर्ची हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 7 से 8, हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी 5 7 से 8, अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1 टेबल स्पून। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 1 टीस्पून, भर के डालने हैं वो भी आप लोगों ने 1 टीस्पून ही। हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, वो भी आप लोगों ने भर के डालने हैं। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर 1, इस तरह से आप लोगों ने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हाँ ये देखिए हमारी जो ग्रेवी थी वो हो चुकी है रेडी, और जो ग्रेवी थी उसमें साइड से जो सारा ऑयल था वो भी निकला है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। और ये देखिए जो हमारे कोफ्ते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐसे ही इन्हें ऐड कर रही हूँ। अच्छा आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहें तो इसको फ्राई कर लें और अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ही ऐड कर लें। अगर आप लोगों ने इसे फ्रोज़न किया हुआ है तो आप लोगों ने इसको फ्राई करके ही डालना है। अगर आप लोग इसे फ्रेश ही बना रहे हैं तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि फिर आप लोग इसे फ्राई करेंगे या ऐसे ही ऐड करेंगे। अब हम इसे 25 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो हो चुके हैं रेडी। अब मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।